यार बहुत मुसीबत है। अब देखो आज के दिन आया है गेम में अपडेट। अब गेम में अपडेट आया तो हम पे कुछ काम नहीं होता। अब देखो बाबू सोना वालों को कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वो बाबू सोना कर लेंगे, उनका टाइम पास हो जाएगा। लेकिन मेरे और तुम्हारे जैसे सिंगल लोगों का क्या होगा, वो तो मेरी वीडियो देख के काम चलाएंगे ना। तो आओ यार अपडेट आता है ना उस दिन गेम की सबसे ज्यादा याद आती है भाई। वैसे मतलब कसम से 2 महीने में एक बार अपडेट आता है, ठीक है, और बाकी के जितने दिन होते हैं उस दिन हमें गेम की याद बिल्कुल नहीं आती है। मतलब जब टाइम मिलता है तब हम जाते हैं खेलते हैं, लेकिन वही गलती से जिस दिन अपडेट आ जाता है ना भाई, उस दिन एकदम लगता है कि भाई कैसे दिन जाएगा, एक दिन पूरा गेम के बिना बिना एक भी गेम खेले कैसे जाएगा, बहुत तकलीफ होती है। वैसे पिछले अपडेट में हमने वीडियो डाला था फ्री फायर बैन का, जिसको देख के तुम लोगों ने मेरे को बताया था कि बहुत मजा आया है। वैसे सच बताऊं तो किसी ने नहीं बोला था कि अच्छा लगा, लेकिन अपनी बड़ाई कर लेता हूं, किसी को क्या ही पता लगेगा, किसी ने सुना तो नहीं। तो इतना प्यार और तुम्हारा सपोर्ट देखते हुए तुम्हारा भाई वापस से आ गया है एक और वीडियो के साथ। वैसे इस बार जो बात है ना वो थोड़ी सी सीरियस है, क्योंकि यार फ्री फायर की ना हर तरफ से यार लोग बजाने में लगे हुए हैं, और फ्री फायर कहीं ना कहीं बैन हो यार तुम सबको बुरा लगेगा, और सच बताऊं तो मेरे को भी लगेगा। चलो जैसी भी गेम है अपने ही घर की है ना यार, भले ही थोड़ी सी छूतिया है, थोड़ी सी बेशर्म है, लेकिन अपना अपना टेढ़ा है पर मेरा है, टेढ़ा है पर मेरा है। अभी के टाइम पे तुम्हें पता अगर नहीं है तो मैं बता दूं, पबजी वालों ने केस कर दिया है फ्री फायर के ऊपर, ठीक है। फिर जितने अभी मिनिस्टर ये सब होते हैं, पॉलिटिक्स उतना समझ नहीं आता, तो हाँ बहुत बड़े बड़े लोग जो होते हैं, नेता होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, वो बोल रहे हैं कि फ्री फायर को बैन कर दिया जाए, और फ्री फायर से रिलेटेड बहुत ही निगेटिविटी अभी फैल रही है। तुम्हें पता होगा ये चीज़ें अभी से 6 महीने पहले से चर्चे में है कि फ्री फायर बैन हो जाएगा। जब से अपना वो पबजी बैन हुआ था उसके बाद से ये भी चालू हो गया था फ्री फायर बैन हो जाएगा, बट नहीं हुआ था फ्री फायर। लेकिन अभी देखो मैं कसम से तुम्हें एक चीज बता रहा, अभी संकट में है फ्री फायर, थोड़ी सी संकट में है कि हाँ कुछ भी हो सकता है। क्या बात कर रहे हैं? क्राफ्टन मतलब कि पबजी की पैरेंट कंपनी ने बस फ्री फायर पे ही नहीं गूगल एंड एप्पल पे भी केस कर दिया है, ये बोल के कि आप लोग फ्री फायर को अपने एप्स पे अपने प्ले स्टोर पे प्रमोट क्यों कर रहे हैं, वो एक पबजी का कॉपी है तब भी आप लोग प्रमोट कर रहे हैं, मतलब अलग ही नशे है भाई पबजी वालों के। साथ ही साथ ये भी बोला है गूगल वालों को कि यूट्यूब पे जितने भी सारे वीडियो है फ्री फायर के सारे टेक डाउन कर दो, सारे वीडियो हटा दो, शर्म करो, भगवान से डरो भोसे। इतना सब होने के बाद तुमको क्या लगता है तुम्हारा थाराभाई ऐसे अंदर चुप बैठने वाला था? उसके बाद मैं निकल पड़ा रिसर्च करने और अपनी टिप्पणियां बांटने। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पबजी रिलीज कब हुआ था। तो पबजी रिलीज हुआ था 4 सितंबर 2018 में, एंड फ्री फायर रिलीज हुआ था 23 अगस्त 2017 में, सीधा एक साल का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी केस कैसे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा था पबजी मोबाइल की, अब बात करते हैं हम लोग पबजी जो पीसी था वो बहुत पहले रिलीज हो गया था, यहाँ पे तुम देख सकते हो फ्री फायर से, तो इस वजह से उन्होंने केस किया। अरे देवा ये गड़बड़े। अब देखो पबजी भी बैटल रॉयल गेम है और फ्री फायर भी अपना बैटल रॉयल गेम है, यानी कि बैटल ग्राउंड्स गेम है दोनों के दोनों, जिधर फाइटिंग होती है, आर्मी टाइप बैटल होता है, मतलब एक तरीके से समझ लो आर्मी की लाइफ हम जीते हैं, जिधर हमें फाइट करना होता है, ये सब COD, काउंटर स्ट्राइक, पबजी और भी बहुत सारे जितने गेम है इन सब का सेम ही कंसेप्ट है, सब में गन होते हैं, सब में फायर करने होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन किस तरीके से किस बेसिस पे पबजी ने केस करा है फाइल, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। और तुमको क्या लगता है कि पबजी जीतेगा ये फाइल? देखो तुम्हें भी पता है मेरे को भी पता है गरीना का बिजनेस माइंड कितना ज्यादा है पबजी से, सब पबजी वाले दिमाग लगाएंगे ना, तब एक गरीना स्टाफ की बात कर रहा हूँ मैं, प्लेयर की नहीं, तो कोई भी ऑफेंड मत होना कोई भी गेम वाला, ठीक है। पबजी को मेन प्रॉब्लम कब हुआ फ्री फायर से पता है? अभी 5 दिनों पहले ये जो निकल के आया था कि फ्री फायर ने कमाया है समझ रहे 250 करोड़ इंडिया से, और पबजी बेचारे ने बस 53 करोड़ या 52 करोड़ जो भी कमाया, इतना कम कमाया, तो यार कहीं ना कहीं बुरा तो लगे, दिल से बुरा लगता है। तो वैसी गेम बिचारी इतनी पीछे रह गई अर्निंग में और फ्री फायर इतना आगे निकल गया, मतलब कैसे, दिक्कत तो होगा ना कहीं ना कहीं, थोड़ी सी जलन होती है यार, तुम्हें पता इंसान होते हैं ना तो थोड़ा सा हो जाता है, समझ रहे हो। तो इसकी वजह से पबजी ने केस कर दिया, लेकिन मेरे को नहीं लगता पबजी ये केस जीत पाएगा, क्योंकि बात तो सही है कहीं ना कहीं, हाँ कॉपी तो करा है फ्री फायर ने, कुछ चीज़ें, पूरी चीज़ें तो नहीं लेकिन हाँ कुछ चीज़ें
मतलब कॉपी करा वो सब करते हैं, एक दूसरे से इंस्पायर्ड होकर सारे गेम वाली ये चीज़ें करते हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम वो पूरा गेम उड़ाने के लिए कंप्लेन कर दो, नहीं यार ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो जो भी हो पबजी सबसे पहले आया था पीसी पे, और मोबाइल पे अगर कोई बैटल ग्राउंड गेम आया है पहले तो वो फ्री फायर है, ठीक है। तो तुम केस तो नहीं जीत पाओगे जहाँ तक मेरे को लगता है, अगर जीत भी गए तो यार फ्री फायर वाला बहुत दिमाग वाला और बहुत पैसे वाला भी, और पैसा हर जगह काम करता है ये तो तुम हमेशा याद रखना, ठीक है। तो पबजी नहीं कुछ कर पाएगा क्योंकि फ्री फायर देखो कहीं ना कहीं से खतरों का खिलाड़ी है, कहीं ना कहीं से निकल जाएगा। आज तक कुछ नहीं कोई कर पाया तो आप क्या ही कर लेगा, तो चिल मारो और मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग मत करना इन चीज़ों को लेकर। तुमको लगता है यार सच में कि फ्री फायर मतलब इतना हल्के में ले रहे हो क्या फ्री फायर को, कि कोई भी आएगा मार के चला जाएगा? नहीं भाई, अगर देखो तुम पे बाबू नहीं है बाबू पटाओ, अगर नहीं है तो चलो ठीक है अच्छी चीज़ है कोई दिक्कत नहीं, ई स्पोर्ट खेलो, ई स्पोर्ट नहीं खेला जा रहा है तो फिर यार चिल्लम भूख के सो जाओ, लेकिन यार बस बस हुआ भाई अब टैग मत करो। और तुम में से बहुत लोग बहुत क्या भाई कोई फॉलो ही नहीं करता मेरे को इंस्टाग्राम पे, क्यों नहीं करता है भाई? हेलो कर लिया करो यार, तुम इंस्टाग्राम यूज करते हो ना, ये नहीं मेरी आईडी, कसम से बता रहा तुमको तुम्हारी गर्लफ्रेंड की कसम है बाबू की कसम है, जाओ फॉलो करके आओ, क्योंकि उधर मैं बहुत भयंकर भयंकर मस्त चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ, स्टोरी पर लगाता रहता हूँ, तो जाओ फॉलो कर लेना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना यार, तुम लोग आजकल सब्सक्राइब ही नहीं करते हो यार, बोलते बोलते थक जाता हूँ मैं बोलते बोलते थक जाता हूँ, तुम साले सुनते सुनते नहीं थकते, तो यार कर लिया करो ना, मेरे को बोलना नहीं पड़े ना, मेरे को बोलने में अच्छा लगता है ना तुमको सुनने में अच्छा लगता है, तो ना सुनना पड़े तुम्हें और ना बोलना पड़े मेरे को, इसलिए अच्छे से प्यार से सब्सक्राइब कर लो और बेल वाले आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर ले। बाय गाइस, लव यू ऑल। पापा की परी मैच्योर कब होगी मेरे पापा की परी।